So in this video we are going to discuss first problem of Codeforce round Hello 2022. Okay. So इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक चेस बोर्ड है n साइज का, n क्रॉस n साइज का, ठीक है. एंड वी हैव के रॉक्स, के रुक है हमारे पास, एंड हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है. और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है कि एक गुड अरेंजमेंट जो है, एक वेल मेंटेन जो अरेंजमेंट होगा जहाँ पे कोई भी रोक एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहा होगा. जैसे ये पोजीशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे को, किसी को एक को अटैक नहीं कर रहा, ये किसी दूसरे को अटैक नहीं कर रहा, ये जो होगा किसी दूसरे को अटैक नहीं कर रहा, ठीक है. तो ये एक अरेंजमेंट है जो गुड है, बट ये नॉट स्टेबल कहलाएगा, ठीक है. ये कब स्टेबल नहीं होगा, जब हम एक ऐसा अरेंजमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं जो किसी एक रोक को अपने एडजेसेंट सेल पे मूव करने पे, ठीक है. इट इज़ पॉसिबल टू मूव वन रोक टू एडजेसेंट सेल, सो के अरेंजमेंट जो होगा नॉट गुड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे इस रोक को अगर हम यहाँ पे मूव कर दें, ठीक है, इस पोजीशन पे मूव कर दें, तो ये इसको अटैक कर रहा होगा, तो नॉट गुड पोजीशन हो गया. ये रोक को अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें किसी एडजेसेंट सेल में, तो ये इसको अटैक कर रहा होगा, तो ये भी नॉट गुड होगा. और अदर सारे केसेस जो होंगे वो गुड और स्टेबल स्टेट होगा, ठीक है. तो हमें इन दिया हुआ एंड के रोक भी दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है किसी एक पैटर्न को, अगर मल्टीपल केसेस हो रहे हैं तो किसी को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है. और अगर किसी भी सिचुएशन में वो हमारे पास ग्रीड ऐसा नहीं बन सकता है, चेस बोर्ड में प्लेसेस नहीं अरेंज हो सकते, तो -1 प्रिंट करना, ठीक है. तो सबसे पहले इसको सिंपल टेस्ट के से समझते हैं कि हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा रोक को प्लेस करने की, ठीक है. तो लेट सपोज हम एन इक्वल टू 3 लेते हैं, एंड एन इक्वल टू 3 है, तो हमारा रोक का जो पोजीशन होगा, अगर मान लो हम इस तरह रखते हैं, तो ये स्टेबल नहीं होगा. ये हम समझ सकते हैं क्यों ये स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लो इस रोक को हम यहाँ पे मूव करते हैं, या इस रोक को हम यहाँ पे मूव करते हैं, फिर से ये नॉट गुड पोजीशन होगा. इसको अगर यहाँ पे मूव करें, या इसको हम यहाँ पे मूव करें, मतलब किसी भी रोक को अगर हम कहीं पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कंडीशन जो है वो गलत है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है. तो फिर इसको किस तरह हमें रखना है, लेट सपोज एन इक्वल टू 5 हमारा स्ट्रेटजी, हम यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ से डेवलप करने की कोशिश करते हैं. हमारा सबसे पहला क्या होगा, हम पहले रोक को यहाँ पे रखते हैं, लेट सपोज हमने एक यहाँ पे रोक रखा. अब हम इस सेल में, इस पूरे रो में कहीं भी नहीं रख सकते, इस रो में भी कहीं, इस कॉलम में कहीं नहीं रख सकते, ठीक है. और क्योंकि ये जो रोक होगा, इसका एडजेसेंट सेल यहाँ और यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ पे मूव हो सकता है, या तो ये यहाँ पे मूव होके हो सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये शेयर कॉमन साइड शेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे डिफाइन किया डेट शेयर है साइड, ठीक है. तो ये इसका एडजेसेंट सेल नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा. तो ये रोक यहाँ आ सकता है, ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें तो ये रोक का पोजीशन यहाँ भी है, इसके वजह से ये पोजीशन पे हम किसी रोक को नहीं रख सकते, और ये एडजेसेंट सेल यहाँ भी आ सकता है. तो अगर ये यहाँ पे आता, तो ये पूरे कॉलम को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पे हम किसी को नहीं रख सकते, और रो तो हमारा सेम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. और यहाँ पे अगर आ रही है, तो फिर ये चीज़ें इस पूरे रो को अफेक्ट करेगी, और ये वाला इस पूरे कॉलम को अफेक्ट करेगी, मतलब कि हमारा एक रो यहाँ पे अगर होने से इसके एडजेसेंट 2 रो और 2 कॉलम अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब हम पूरे में कहीं भी अब किसी दूसरे रो को नहीं रख सकते, वरना हमारा जो अरेंजमेंट है वो गुड नहीं रहेगा, ठीक है. बात बहुत सिंपल है. ये रो के यहाँ पे अगर हम प्लेस कर रहे हैं किसी भी आई जे सेल पे, इसके वजह से उसके जस्ट एडजेसेंट सेल जो होगा, ये वाला यहाँ पे 2 पॉसिबल एडजेसेंट सेल हो रहे हैं, इन दोनों में ये रो की मूवमेंट हो सकती है, और इनके मूवमेंट के वजह से इस रो और इस कॉलम, फिर यहाँ पे मूवमेंट होने की वजह से इस रो और इस कॉलम में, चूंकि यहाँ पे भी अगर मूवमेंट नहीं करता तो एज ए स्टेबल यहाँ पे रहा, तो इस रो फिर से इस कॉलम, मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पे तो जा रही है, ठीक है. तो अब हम अगला कहाँ पे रुक को प्लेस कर सकते हैं, अब यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर सकते हैं, या यहाँ पे, ठीक है. तो हमें तो मैक्सिमम रुक को प्लेस करना, हम तो हमारे पास के हैं, अगर के ग्रीड के पहले ही ख़त्म हो जाता तो वेल एंड गुड, एंड तो हमारा स्ट्रेटजी इतना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रुक को प्लेस कर सकते हैं. अब हमारा सबसे पहला पोजीशन बनेगा ये वाला पोजीशन,
ठीक है, यहाँ पे हम पहला, इसके बाद हम किसी दूसरे, मान लो यहाँ पे फर्स्ट रो को रखा, अभी हम यहाँ पे सेकंड रो को रख सकते हैं। फिर इसके वजह से ये वाला और ये वाला रो और ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम डिस्टर्ब होगा, हम किसी दूसरे रो को प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला सेल बचेगा। ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट देख लें सेल का, ये क्या है, 0 0 पे, यहाँ से आपको पैटर्न फाइंड आउट हो जाएगा। ये वाला जो है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला क्या है आपका, ये होगा, ठीक है, 0 1 2 2 2 पे। ये वाला क्या होगा, 4 4 पे। तो हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, 0 0 2 2 4 4। तो हम एक सिंपल लूप से हम सारे रोक को प्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि के लिमिटेड रोक्स है, ठीक है, हमारे पास के लिमिटेड रोक्स है, तो अब हम सबसे पहले हमें देखना होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना हम रुक को प्लेस कर सकते हैं अपने एन साइज के ग्रिड में। मिनिमम तो भाई 0 भी प्लेस कर सकते हैं अगर कुछ ना हो हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, यहाँ पर मेन तो प्रॉब्लम मैक्सिमम में थोड़ी बहुत आएगी। अब क्या है, अगर हमारे पास 5 है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 हो रही है, 3 रो को हम प्लेस कर सकते हैं। ऐसे आपको अंदाजा यहाँ से भी लग गया होगा कि एक्चुअली n+1/2 होने वाला ही है, ये बेसिकली n+1/2 होने वाला है। और ये क्यों होने वाला है ये देखते हैं, एक रो रुक के वजह से 2 रो और 2 कॉलम जा रही है, चूंकि ये n/n² होगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपली रो पे फोकस कर रहे हैं तो एक रो रुक के वजह से 2 रो जा रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो अब हम जो नेक्स्ट रुक जो रखेंगे वो थर्ड रो से रख सकते हैं, थर्ड रो में रखेंगे, फिर से 2 रो जाएगा, तो एक के वजह से 2 जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं n+1/2। ठीक है, अगर थर्ड बच गया तो 2 के बाद थर्ड में तो हमारा पॉसिबल है एक रखना, अगर 3 ही रो हो तो। ठीक है, तो मिनिमम हमारा 0 होगा, मैक्सिमम हमारा n+1/2 होगा, इससे अगर ज़्यादा के की वैल्यू होती है तो भाई हमारा -1 प्रिंट होगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना सा था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तो डायरेक्ट हम जंप करते हैं कोड पे। ठीक है, तो कोड कोड में कुछ करना नहीं है, सिंपली मैंने क्या कि ग्रिड एक वेक्टर बना ली, इनिशियली सारे प्लेसेस एम्प्टी हैं तो मैंने डॉट एज इट इज फिल कर दिया यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना, अगर मैंने मैक्सो को कैलकुलेट कर लिया कि मैक्सिमम इतने प्लेसेस मैं फिल कर सकता हूँ, इतने रूट्स प्लेस कर सकता हूँ, इससे अगर ज़्यादा के की वैल्यू है तो -1 होगा, और इतना या उससे कम है तो अब हमारा जो है कंडीशन चेक कर रहा है। हमने 0 फर्स्ट रो से शुरू किया, इंथ रो तक जा रहे हैं, 0 0 पे प्लेस किया एंड डायगोनली प्लेस करते हुए चले गए। बेसिकली मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे ढंग से किया, बात एक ही चीज़ है, एक बार लूप में यहाँ प्लस होगा और एक यहाँ पे प्लस किया, तो 0 0 1 1 2 2 और के को माइनस करते चले गए। जहाँ पे के इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा सारे रुक्स हमारे प्लेस्ड हो गए। तो हम जब सारे रुक्स को प्लेस्ड कर दिए तो सिंपली मैंने ग्रिड को प्रिंट किया और रिटर्न कर दिया। ओके, सो क्वेश्चन ठीक था, इजी था, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना। ओके, थैंक यू।